फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय इंदौर में बॉम्बे मैंशन रेस्टोरेंट की ओपनिंग में आए। फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की जमकर तारीफ की, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि मोदी जी एक राजनेता नहीं, एक लीडर के तौर पर कार्य करते हैं। देखिए रिपोर्ट। दरअसल अभिनेता विवेक ओबेरॉय गुरुवार शाम इंदौर के C21 मॉल के एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने पहुंचे थे। उनके साथ बॉलीवुड फिल्में अदाकारा निकिता रावल भी मौजूद रही। रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने के बाद विवेक ओबेरॉय ने मीडिया से चर्चा करते हुए इंदौर शहर की स्वच्छता की जमकर तारीफ की। अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने इंदौर शहर की तारीफ करते हुए कहा कि इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। हम सिर्फ हैट्रिक के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इंदौर शहर एक नए आयाम बना रहा है। शहर की खास बात यह है कि यहाँ पर अब फिल्मों की शूटिंग होना भी स्टार्ट हो गई है। यह शहर अपनी संस्कृति के साथ साथ आज के मॉडर्न कल्चर के साथ भी आगे बढ़ रहा है। आई थिंक इंदौर में दो तीन चीजें बहुत सुंदर है। ऑफकोर्स स्वच्छ शहर तो है ही देश का सबसे, आई थिंक 3 साल से लगातार, 5 साल, कमाल हैट्रिक करती है तो कुछ और ही हो गया। उसके अलावा मुझे लगता है इंदौर में एक खूबसूरत बात यह है कि आज देखिए हम एक मॉल में बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस शहर का जो एक किल जड़ें हैं वो अभी भी बहुत मजबूत है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे इंदौर ने अपने जड़ों को नहीं उखाड़ फेंका। कहीं ना कहीं इस शहर की एक जो कैरेक्टर है, इस शहर का जो एक रंग है, रूप है, एक संस्कृति है, वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कायम है। जब इंदौर में शूट करते हैं तो लगता है कि इंदौर में शूट कर रहे हैं, तो उसकी खूबसूरती अलग निखर के आती है। तो आई थिंक वो इंदौर के लिए एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर है कि दोनों मॉडर्न एंड अपनी ट्रेडिशन दोनों का बहुत अच्छा जोड़ है। तो वहीं बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक राजनेता नहीं बल्कि एक लीडर के तौर पर काम करते हैं। जहां तक नरेंद्र भाई का सवाल है, मोदी जी जब हम बात करते हैं तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उनको 2006-07 से जानता हूं। मैंने उनको कभी एज अ पॉलिटिशियन कभी नहीं देखा। पॉलिटिशियंस होते हैं और लीडर्स होते हैं। मोदी जी लीडर है। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है उनका, ऐसी पर्सनालिटी उनकी कि वो पूरे देश को साथ में लेकर जोड़कर ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत बहुत मुश्किल रहा है। आप देखो अपने मोहल्ले में ही एक डिसीजन लेने में अगर हमको सबकी राय लेनी होती है, सबके पास जाना होता है और सबकी हामी भरवानी होती है तो कितना मुश्किल है। मतलब मैं जहाँ रहता हूँ हम लोग वहाँ एक स्टाफ के लिए, हमारे जो वॉचमैन हैं बेचारे जो हमारी रखवाली करते हैं, उनके लिए अच्छा नया बाथरूम बनाना चाहते हैं। कुल मिलके 14 घर हैं, 8 महीने लग गए हैं भाई साहब डिस्कशन पे। तो एक डिसीजन लेने में लोगों को साथ में कंसेंसस जोड़ने में इतना मुश्किल काम है और वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, मैं उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। फिल्मों में एक समय के बाद उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिले, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें बॉलीवुड में जितने भी मौके मिले हैं उसके लिए वह शुक्रगुजार है। हम कोशिश करते हैं कि लाइफ में शुक्रगुजार रहने की। मुझे ऐसे लगता है कि कई सारे टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे MP में। मुझे याद है मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, यहीं है ना, तो मैं आया था RDVV शायद 30 साल पहले।
मुंबई यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे मैं मेडल जीत गया था, नेशनल गोल्ड एक्टिंग के लिए। और वहाँ पर मुझे ऐसे लगा कि उस समय भी इतने सारे टैलेंटेड एक्टर्स थे, इतने सारे लोग हैं, कोई कहीं बैंक में नौकरी कर रहा है, कोई जर्नलिस्ट बन गया है, तो मैं अपनी लाइफ को सकारात्मकता के साथ जीता हूँ और यही देखता हूँ कि मुझे जो मौके मिले उनके लिए ही शुक्रगुजार हूँ मैं। और 20 साल की जर्नी रही है, लोग 2 साल टिक नहीं पाते हैं इंडस्ट्री में, मुश्किल है, कंपेटिटिव है, ईश्वर की कृपा रही है कि 20 साल होने आ रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं और अभी भी काम है, और इसी काम के लिए शुक्रगुजार हूँ। और जो लोगों का प्यार है, आई थिंक जो लोग आपके काम को देखकर आपको सराहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, पूरे 20 सालों में अंधेरों में भी और रोशनियों में भी, जीत में भी और हार में भी, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार इन्हीं लोगों का मिला है जो सपोर्ट करते हैं और अनकंडीशनल है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माँ बाप भी जब आपसे प्यार करते हैं तो वो आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप उनसे वापस उतना ही प्यार करो, उनको समय दो। लेकिन फ़ैन एक इतनी खूबसूरत रिलेशनशिप है जो मैं 20 सालों में जांच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कि वो आपसे कोई अपेक्षा ही नहीं रखते, बस आपको प्यार करते हैं। 20 लोग खड़े हैं, कोई आपकी बुराई करेगा तो वहाँ उनके सामने खड़े रह के वो लड़ते हैं आपके लिए, आउट नंबर्ड होने के बावजूद। इसीलिए मैं फैंस को बहुत प्यार करता हूँ और बहुत इज्जत देता हूँ। OTT पर बात करते हुए विवेक ओबेरॉय ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म पर कई सारे नए युवा एक्टर और एक्ट्रेस को मौका मिला है। आज के समय में OTT प्लेटफॉर्म ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक नई क्रांति दी है। अच्छा, फर्क पता चला नहीं दोनों में? हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा और बहुत सटीक सवाल पूछा। जब मैं इंडस्ट्री में आया था, अगले साल 20 साल हो जाएंगे मुझे, अप्रैल 12 कंपनी रिलीज हुई, तो स्ट्रगल मैंने बहुत किया ऑलमोस्ट 2 साल, क्योंकि मैंने अपना अलग तरीका सुना चुना। तब ऐसा होता था कि सेकेंड जनरेशन को लॉन्च किया जाता था, एक्टर्स के फादर्स ही उनको लॉन्च करते थे, उनके लिए फिल्में बनाते थे। लेकिन मुझे तब भी लगा कि अगर बनूं तो अपने टैलेंट पे बनूं, अपने वजूद कायम खुद करूं, मेरिट पे बनूं, वरना ना बनूं। तो पिताजी ने एक्चुअली अब्बास मुस्तान जी को साइन कर लिया था, और मुझे आज भी वो दृश्य याद है कि मैं उनके पास जब गया और मैंने कहा कि नहीं मैं स्ट्रगल करूँगा, तो कहने लगे मैंने स्ट्रगल करके प्लेटफॉर्म बनाया, तुम भी वही करो। कहने नहीं, मुझे अपने टैलेंट के बलबूते पर खड़ा होना है। और बहुत डिफिकल्ट रहा वो पीरियड, 1.5-2 साल बहुत डिफिकल्ट रहा, क्योंकि इतने रिजेक्शन जो आपको मिलते हैं वो पर्सनली मिलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है और बिल्कुल फ्री, वो है एडवाइस। सब एडवाइस देंगे, बोलेंगे भैया छोड़ दो, ये बन जाओ, वो बन जाओ, लेकिन लगे रहे, डटे रहे। आज वो रास्ता तय करना किसी न्यू कमर के लिए आज 20 साल बहुत ईजी हो गया है OTT की वजह से। गौरतलब है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की तरफ अभी फिल्मी दुनिया का रुख बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर।